जी हाँ दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के आइडिया एबीसी चैनल में। फिर से कुछ नया आइडिया, कुछ नया एक्सपेरिमेंट। तो आज हमने बनाया है पॉलिश क्लीनर मशीन, वो भी एक बल्ब से। देखिए, एक बल्ब में सिर्फ वायर है 12 वोल्ट की, इसे आप 12 वोल्ट का करंट देके आप चला सकते हो। इसमें पॉलिश लगा के इस तरीके से ये इस पर वर्क करेगी बहुत अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने अभी आपको दिखाया है और ये किस तरीके से काम करता है, कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं एक बल्ब, चाहे आप कितना ही बड़ा हो, आपके पास छोटा है या बड़ा है, कोई भी चल सकता है। और एक लेते हैं डीसी मोटर 12 वोल्ट की छोटी वाली, और ये एमडीएफ बोर्ड है हमारे पास, और ये एक स्पंज, फोम स्पंज इसको बोलते हैं। और ये इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हम बल्ब के ऊपर की कैप ले लेते हैं, उसको ये इस एमडीएफ बोर्ड पे निशान लगा लेंगे गोल करके, और गोल के निशान को हमें इतना ये पीस काट लेना है। इस पीस को हमने देखिए ये काट लिया है, ये अभी हम बाद में दिखाएंगे इसका यूज़ क्या है। और जब तक हम आपको बताते हैं कि इसके बल्ब के ऊपर का होल्डर हमें ये इसको निकाल लेना है, बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए कितने आराम से निकल गया। अब हमें करना क्या है कि ये इतना सा पीस हमें ये काटना है। आप किसी चीज़ से भी काट सकते हो, आरी से काट लो, जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप उससे इसको काट सकते हो। तो आप इस तरीके से इसको काट लीजिए। देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है। अब क्या करना है, अब लेना है रिगमाल। तो ये देखिए, ये रखा है और इस तरीके से इसको घिस लेना है बहुत अच्छे से, स्मूथली बिल्कुल इसको क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है, सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम एक पहले छेद कर लेते हैं, जिससे जो मोटर की वायर होगी वो हमें बाहर के लिए निकालनी है। तो इसमें हम ये देखिए, किसी भी चीज़ से आप छेद कर लो, हैमर से, पेचकस से, जो भी हो, काइया वगैरह आपके पास जो चीज़ हो उससे। अब हम करते क्या, पहले इसमें ग्लू गन लगा लेते हैं इसके अंदर के लिए चारों तरफ से। तो देखिए, इस तरीके से आपको ग्लू गन लगाना है अंदर वाले सरफेस पे। तो इस तरीके से लगाए, इसमें हम लगाते हैं मोटर। ये देखिए, हमने लगा दी इसमें मोटर, और बहुत अच्छे से इसको दबा देना है। तो थोड़ा ग्लू गन ऊपर भी निकल आया, कोई बात नहीं, वो हम बाद में इसको काट देंगे। तो अब इसको ग्लू गन से हम चारों तरफ से भर देंगे, जिससे ये मोटर हमारी हिले ना, ऊपर अप डाउन ना हो, या राइट या लेफ्ट या जो भी हो, हिले ना, हिलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए ग्लू गन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम ग्लू गन इस तरीके से हम चारों तरफ से भर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी वायर को इस चेन से दूसरी साइड में निकाल लेंगे बढ़िया करके, जिससे कि ये टूटे भी ना, बहुत आसानी से निकल भी जाए। तो ये हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करते हैं, अब इसके बाद इसकी कैप लगा देते हैं। तो ये डिफ्यूज़र इसको बोलते हैं वैसे, तो डिफ्यूज़र ये हमने इसका लगा दिया है। अब डिफ्यूज़र लगाने के बाद जो ऊपर के लिए ग्लू गन जो निकल आया था एक्स्ट्रा वाला, वो हम इसको काट लेंगे। तो ये हमने बिल्कुल सीधा करके काट लिया है। तो इस तरह, तो फिर से हमने ये एमडीएफ बोर्ड का जो राउंड हमने काटा था गोल गोल, तो इसको ले लिया। और ये देखिए, पेन की रिफ़िल है हमारे पास, जो उस मोटर में अच्छे से लग जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले ग्लू गन इसमें भर देना है, फिर ये पेन की रिफ़िल इसमें हमें लगा देनी है। इस तरीके से पेन की रिफ़िल लगाने के बाद ऊपर से ग्लू गन और अच्छी तरीके से लगा देना, जिससे ये हिले ना और सीधा ही स्मूथली चले। तो अब हमें क्या करना है कि हमने इसको गर्म करके लाइटर से बिल्कुल फर्श पर रख के इसको समथल कर देना सीधा। तो अभी सही तरीके से नहीं हुआ, रिफ़िल को और पिघला के बिल्कुल जाम कर देते हैं, जिससे कि ये निकले ना पुली उसमें से। तो इस तरीके से हमें ये करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें बहुत अच्छे से लग गई है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ग्लू गन फिर से लगाते हैं, ग्लू लगा के ग्लू गन से। अब ये स्पंज के ऊपर हम इसको रख देंगे, बिल्कुल सेंटर में, बीच में रखना है। और ये देखिए, घूमने लगा। तो इस तरीके से इसको और मजबूती देने के लिए हम इसके चारों तरफ से स्पंज के और एमडीएफ बोर्ड के चारों तरफ से हम इस देखिए कोने कोने पे लगा देंगे ये, और इसको एक बार नीचे बिल्कुल दबा देंगे, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से ये चिपक जाए। तो ये हमारा चिपक चुका है। अब इसके बाद लास्ट स्टेज है हमारी, कि ये इसको हम इसमें फिट कर दें पुली में। देखिए, ये बहुत आसानी से फिट हो गया। अब हम इसको हम आपको चला के दिखाते हैं। तो ये रही, आप इसको किसी भी तरीके से चला सकते हैं, चाहे आप इसको 12 वोल्ट करंट से चला लें, या आप अडेप्टर हो आपके पास, या डीसी वगैरह जो भी हो, बैटरी वगैरह, आप उससे इसको चला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं लगाता हूँ थोड़ी सी पॉलिश अब R15 पे। अब इसके बाद देखिए, थोड़ा सा इसको इसी से ही हम चारों तरफ लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको लगा लिया। अब हम चलाते हैं इसको, मशीन को, क्लीनिंग मशीन। अब हम मशीन को चलाते हैं, तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैं आपके लिए नई से नई अच्छी वीडियो लाता ही रहूँगा। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये मशीन काम कर रही है।